गाइस यश और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पांच ऐसी ऑसम गेम्स जो कि खेल के आपको बहुत मजा आने वाला है। सो यार होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए, और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना गेम्स का काउंटडाउन। तो सबसे पहले जो गेम निकल कर आती है उसका नाम है द वुल्फ अमंग अस। सो यार ये बहुत ही ऑसम गेम है और इसकी स्टोरी जो है सबसे अलग है। ये एक स्टोरी बेस्ड गेम है और इसके अंदर जो आप डिसीजन लेंगे वैसे वैसे गेम मुड़ती जाती है। इसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, तो जिन लोगों को इस तरह की गेम पसंद है उन्हें ये बहुत ही मस्त गेम लगने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आपको थ्रिलर फैक्टर मिलता है, इसके अंदर आपको एडवेंचर मिलता है, इसके अंदर वो हर एलिमेंट देखने को मिल जाता है। और इस गेम की सबसे अच्छी बात बताता हूँ कि ये गेम फेबल्स की कॉमिक बुक है जो कि बिल विलिंगम ने लिखी है, उसके ऊपर जो है वो बेस्ड है। सो आपको ये गेम खेलने में बहुत मजा आएगा। अगर आपने कभी ऐसी स्टोरी बेस्ड गेम खेली है पहले जिसके अंदर आपको चॉइसेस लेनी पड़ती हैं और उस हिसाब से गेम पूरी चेंज होती है, तो आपको बहुत मजा आएगा। और अगर आपने नहीं खेली तब भी आप इस गेम को जाके प्लीज इंस्टॉल करें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। मैंने आज से पहले ऐसी गेम नहीं खेली थी, जब मैंने इस गेम को खेला तो मैं इसका एडिक्ट हो गया। और मैं आपको बता रहा हूँ इस गेम के अंदर क्या है, पांच एपिसोड के ऊपर पूरी गेम बनी है और मैंने अभी तक तीन एपिसोड खेल लिए हैं। और जो गेम का मेन करेक्टर है वो बहुत ही मिस्टीरियस बंदा है, तो मैं आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा वरना आपका जो प्रॉपर फन है वो किल हो जाएगा। तो आप इस गेम को खुद खेलिए और आपको मजा आ जाएगा इस गेम को खेल के। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की तरफ। जो नेक्स्ट गेम निकल के आती है वो है स्वॉर्डिगो। तो यार एक प्लेटफॉर्म बेस्ड गेम है जिसके अंदर आपके पास एक वॉरियर होता है जो स्वॉर्ड लेके इधर से उधर भागता रहता है और उसको अपने आने वाले हर्डल्स को खत्म करना होता है। और इसके अंदर आपको बॉस बैटल्स भी मिल जाती हैं, तो इसके अंदर जो बॉस से फाइट करना होता है, और मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। अगर आपने प्लेटफॉर्म बेस्ड गेम पसंद करते हैं तो आपको ये गेम बहुत ही पसंद आने वाली है। मुझे तो ये गेम बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, और मैं इसे काफी खेलता भी हूँ, बेस्ट टाइम किलर है। तो नेक्स्ट गेम जो निकल कर आती है वो है हमारी मॉर्टल कॉम्बैट। तो यार मॉर्टल कॉम्बैट सब लोग जानते ही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम रह चुकी है। जिन लोगों ने भी इसे प्ले स्टेशन पे खेला वो सब जानते ही है कितनी इंटरेस्टिंग गेम है। बट आप सोचेंगे मैंने इसे 2020 में क्यों चुना जबकि ये गेम तो काफी पहले आ गई थी। तो यार उसका रीजन ये है कि गेम अभी भी बहुत ही ट्रेंडिंग गेम है। अगर आपको फाइटिंग गेम पसंद है तो ये बहुत अच्छी गेम है, मेरी पर्सनल फेवरेट है। मैं आशा करता हूँ आपको भी ये पसंद आएगी। तो नेक्स्ट गेम जो निकल के आती है वो है रेमन एडवेंचर। तो यार रेमन एडवेंचर जो गेम है ना, ये बहुत ही अलग तरीके की गेम है इस पूरे लिस्ट के अंदर। ये एक आपको एडवेंचर गेम मिलती है। ये गेम भी प्ले स्टेशन के अंदर आई थी पहले, और ये गेम जब आई थी लोगों ने उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। ये एडवेंचर गेम है और इसके अंदर आपको नए नए लेवल्स खोलने पड़ते हैं, क्वेस्ट कंप्लीट करनी पड़ती है, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है वो। इसमें आपका जो प्लेयर है वो अलग अलग मूव्स करता है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। और ये गेम के ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं, ग्राफिक्स थोड़े एनिमेटेड लगते हैं बट फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप इस गेम को ज़रूर खेलिएगा, मेरे हिसाब से ये गेम बहुत अच्छी है और आपको इसे खेल के ज़रूर मज़ा आएगा। जो नेक्स्ट गेम वो थोड़ी सी सिंपलिस्टिक गेम है। इस गेम के अंदर क्या है, एस्ट्रोनॉट है जो कि मार्स पे है, उसे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंचाना है आपको। ये गेम सुनने में जितना सिंपल लग रही है उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, तो इंटरेस्टिंग गेम बन जाती है। और अगर आप इसे सही से नहीं कंट्रोल कर पाए तो वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं कि इसे करेक्टर कैसे क्रैश हो जाता है। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहे टेक ट्विक्स। जय हिंद।